नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नो योर एज में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 से हैं। चैप्टर नंबर 4 से हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होंगे और उनके लिखने का क्या तरीका होगा। सबसे पहले हमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। लेकिन जब भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखने को आएगा तो आपको क्लॉसियस और केल्विन प्लांक दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में आपको लिखना होगा। क्लॉसियस और केल्विन प्लांक दोनों। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इसी चैप्टर से हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, जिससे कि आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन भी मिल सकता है और तीनों एक साथ भी देखने को मिल सकते हैं। इसी चैप्टर से आपको रिलेशन बिटवीन सीओपी ऑफ हीट पंप और रेफ्रिजरेटर भी डिराइव करने को आ सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। और एंट्रोपी के बारे में और चेंज इन एंट्रोपी के बारे में, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डिराइव करने को आ सकता है। सिंपली आपसे एंट्रोपी के बारे में भी पूछ सकता है या पूरा ये डेरिवेशन पूछ सकता है। इसके बाद कॉर्नोट साइकिल क्या होती है, कॉर्नोट इंजन क्या होता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है और कॉर्नोट साइकिल से रिलेटेड न्यूमेरिकल। हमें पता है कॉर्नोट साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, जो यहां पर निकालने को आ सकती है न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में। कुछ ही न्यूमेरिकल हैं जो कि थर्मल इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जिनमें से कॉर्नोट साइकिल के न्यूमेरिकल भी एक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 स्टीम और उसके फॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे एक सिंगल क्वेश्चन बोला जाए सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो यही है, एक्सप्लेन द वेरियस प्रोसेसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको फॉर्मेशन ऑफ स्टीम कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें लिखना होगा और साथ ही टीएच डायग्राम भी इसमें ड्रॉ करने को आता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्म्स हैं जो कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि स्टीम टेबल, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, ड्राई स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम, वेट स्टीम, मोलियर चार्ट, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ये सारे टर्म इस चैप्टर के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 में। काफी बड़ा चैप्टर है इस सब्जेक्ट में, लेकिन उतना ही ये आसान है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि आपको आपके स्क्रीन में तीन क्वेश्चन दिख रहे हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर से आप क्या समझते हैं और किसी भी एक वाटर ट्यूब बॉयलर को साफ फिगर के साथ आपको एक्सप्लेन करना होगा। व्हाट डू यू मीन बाई फायर ट्यूब बॉयलर, ऑल्सो एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम विद नीट फिगर। व्हाट डू यू मीन बाई हाई प्रेशर बॉयलर, ऑल्सो एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम विद नीट फिगर। किसी भी बॉयलर के बारे में आपको लिखने को आ सकता है, वाटर ट्यूब, फायर ट्यूब या हाई प्रेशर बॉयलर में से, तो आपको सिंपली तीन बॉयलर ही तैयार करने हैं। तीन में से एक आपको एग्जाम में श्योर शॉट मिलेगा। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इस चैप्टर से। बॉयलर माउंटिंग और बॉयलर एसेसरीज के बीच में डिफरेंस लिखने को आ सकता है, या बॉयलर माउंटिंग्स के नाम, बॉयलर एसेसरीज के नाम, या
इनमें से किसी भी एक बॉयलर माउंटिंग को एक्सप्लेन करने को या किसी भी एक बॉयलर एसेसरीज को साफ फिगर के साथ आपको एक्सप्लेन करने को आ सकता है। थैंक यू।